चलो लगा यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, आवाज से बोलो, कोई मसला नहीं। नहीं कल कल सुबह वालों को नहीं कहा ना अब तो। टैक्सी क्लास कब है? एक मिनट पॉज करना, करें ऑन करें यार। सवाल होमवर्क दिया था, किया है तो फिर फायदा है, नहीं किया तो नहीं किया। किस किसने किया क्यूपीएल वाला सवाल? बाकियों को क्या मसला है? चले बस ठीक है, डिस्कस करता हूँ, डिस्कस है नहीं केस। हो गया यार। क्यूपीएल वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ डिस्कस। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, फिर कभी जिंदगी में मौका मिल जाएगा करने का। डिस्कशन सुन लें, कल जो लर्निंग कर्व के आखिर में दो सवाल किए थे, एक जिसमें लर्निंग रेट निकालना था और एक जिसमें कस्टमर की तरफ से अभी ऑर्डर मिला था। 10,000 यूनिट्स बनाने का ऑर्डर मिला है, 100-100 यूनिट्स का एक बैच होता है, यानी 100 बैचेस में काम होना है। और जो अभी इस वक्त डाटा दिया हुआ है ये पहले बैच का डाटा है, कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच, ये पहले बैच का डाटा दिया हुआ है। इसमें जो जो इशू हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अलावा कुछ और हुआ तो पूछ लीजिएगा। ₹1100 kg इनपुट होगा एक बैच के 100 यूनिट बनाने के लिए। ये 1100 इनपुट है या लॉस के बाद वाली फिगर है? ये लॉस के बाद वाली फिगर इनक्लूसिव ऑफ लॉस है, तो लॉस माइनस हो चुका है, तो फिर ये इनपुट है। इनपुट है जिसमें से लॉस अभी माइनस होना होता है। जैसे अगर ये 1100 किलो है तो इसमें से 10% लॉस माइनस होना है अभी, ये मतलब है इंक्लूसिव का। इसमें एक मसला आपको ये हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि शायद ये 110% है, इसलिए लग रहा होगा आपको क्योंकि इस तरह के अल्फाज पहले कभी इस्तेमाल हुए होंगे कि सेल्स प्राइस है इंक्लूसिव ऑफ 15% टैक्स है, तो वो एड होने वाली चीज होती है, इसलिए आपको वो 115, 100, 110। अब ये इंक्लूसिव का मतलब ये नहीं कि इसमें मजीद लॉस ने इसमें लॉस ऐड हुआ है, इंक्लूसिव का मतलब है कि इसमें से लॉस अभी लेस नहीं किया हुआ। लॉस 10% ऑफ क्या? तो इसमें से 10% अभी माइनस होना है, तो ये 110 है नहीं, ये 100 ही है, ये 100 ही है।
इंक्लूसिव ऑफ लॉस का मतलब है कि इस 1100 किलो में से अभी लॉस माइनस नहीं किया हुआ, तो मतलब इनपुट है और 10% ऑफ इनपुट, तो इसी का 10%, तो जिस का परसेंट होता है वो 100 होता है। तो ये जो 1100 किलो है ये इनपुट ही चाहिए एक बैच बनाने के लिए। इस इनपुट होने पे एतराज है तो बताएं। इनपुट है ये 1100। 16 बैचेस के बाद, 16 ना, 16 बैचेस के बाद इंप्रूवमेंट आ जाएगी और फिर लॉस हुआ करेगा 6%। 16 बैचेस के लिए ये इनपुट होगा, उसके बाद जो 84 बैचेस होंगे, क्योंकि 100 बैचेस बनाने हैं, 100 बैचेस कैसे, 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर है और एक बैच में 100 यूनिट बनते हैं, तो 100 बैचेस, तो 16 बैचेस में मटेरियल इतना लगा करेगा और बाकी 84 में फिर इतना लगा करेगा। इतना कितना जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें कितना वजन रह गया होता है, 90%, यानी जो 100 यूनिट्स बनते हैं वो इतने किलो के होते हैं। अब अगर इंप्रूवमेंट आ जाएगी यानी लॉस कम हुआ करेगा, तो इस खुशी में प्रोडक्ट ज्यादा भारी करके बेचा करेंगे, प्रोडक्ट यही होगा, अब भी इनपुट कम कर लेंगे, कितना कर लेंगे, इसको 94% से क्रॉस करेंगे, कितना, 1100 किलो पहले इनपुट था, इस पे कोई खिलाफ, जो प्रोसेस लॉस होता था यानी 110 किलो जाया हो जाता था, तो जो 100 यूनिट्स बनते थे हर यूनिट 9.9 किलो का होता था। अब अगर लॉस कम होगा, मटेरियल कम जाया होगा, तो प्रोडक्ट जो बेचते थे अब वो भारी करके बेचा करेंगे, यानी उसका जो बोरी का साइज वो बढ़ा लेंगे, नहीं प्रोडक्ट फिर अब भी इतने ही किलो का हुआ करेगा। लॉस चूंकि कम है, इनपुट कम डलेगा, कैसे, ये 6% के बाद है, ये 94% है, इसको 94% से डिवाइड करेंगे तो जाएगा। और मटेरियल 60 रुपए किलो है, 1100 किलो 66,000 रुपए का, तो एक किलो 60 रुपए का, तो पहले 16 बैचेस में 84 बैचेस में नहीं, आउटपुट ज्यादा क्या, आउटपुट तो यूनिट्स में है, या तो हो ना कि आउटपुट भी केजीज में हो, तो हम अब भी उतना ही इन करें और ज्यादा प्रोडक्ट बना ले, नहीं प्रोडक्ट तो यूनिट में है। आप इसको बेशक एक यूनिट की तरह से देखें वो तो बेहतर बात समझ आएगी। एक प्रोसेस में अगर एक यूनिट बना रहे हो, एक यूनिट 100 यूनिट्स के लिए 1100 किलो डल रहा है, तो एक के लिए 11 किलो डलेगा, 10% लॉस होगा, तो वो जो एक यूनिट होगा वो इतने किलो का होगा। तो अगर लॉस कम हो तो एक यूनिट बनाने के लिए हम अभी भी 11 किलो ही डालें और प्रोडक्ट का वजन बढ़ा लें, नहीं, तो चूंकि प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स में है इसलिए हम उसको तो नहीं बढ़ाएंगे ना, जो 9.9 केजी का एक यूनिट होता था वो अभी 9.9 केजी ही का रहेगा, बस इनपुट कम कर देंगे। ये मटेरियल है, जिन्होंने भी किया मटेरियल में और एतराज परेशानी है तो बोलिए, है 60 है, 66,000 रुपए 1100 किलो, तो एक किलो 60 रुपए का, हाँ जी 1100 किलो इन होता था, 10% जाया होता है, तो जो प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स होते हैं वो इतने किलो के होते हैं, एक बैच में 100 यूनिट्स होते हैं, उन 100 यूनिट्स का वजन 900 रुपए किलो होता है। अब अगर लॉस कम होगा तो उन 100 यूनिट्स का वजन बढ़ा देंगे हम, नहीं नहीं, प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स बनाते थे उसके लिए 1100 किलो चाहिए होता था, वो जो प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स होते थे वो इतने किलो के थे, अब प्रोडक्ट के हम अगर 100 यूनिट्स ही बनाए तो अब भी 1100 किलो डालें और लॉस कम हो तो अब वो 100 यूनिट्स 990 किलो से भारी करके बेचें, यानी बोरी का साइज बढ़ा दें, यूनिट्स कौन से कम डालें, मतलब मटेरियल किलो कम डालें ना, तो ये वही किया कि जो प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स हैं वो अभी 990 किलो वजन के होंगे, लेकिन इतने किलो वजन हासिल करने के लिए 6% लॉस की वजह से इतने किलो इन करना पड़ेगा, इस 990 को 0.94 से डिवाइड करना पड़ेगा,
ग्यारह सौ से अगर 1100 किलो ही इनपुट करें तो कितने किलो रह जाएगा? इसका 0.95 1034। तो पहले जो हम 100 यूनिट्स बनाते थे वो 990 किलो वजन के होते थे, तो अब उनको हम बड़ी बोरी कर लें, 1034 किलो के बेच दें 100 यूनिट्स। नहीं, 100 यूनिट्स का वजन तो नहीं चेंज करना ना, प्रोडक्ट है नंबर ऑफ यूनिट्स, तो उसका तो साइज वही रहना है। जो बोरी होती है, अगर आटे की बोरी है जैसे 10 किलो की, पहले ज्यादा गंदुम जाया होती थी, लॉसेस ज्यादा होते थे, लेकिन बनाते फिर भी 10 किलो की बोरी थी, लॉसेस ज्यादा होने की वजह से गंदुम ज्यादा डालनी पड़ती थी। अब हम लॉसेस बेहतर कर लेंगे क्योंकि आटे की बोरी 10 किलो की बजाय 11 किलो वाली बेचना शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट तो उतना ही वजन का रहेगा, इनपुट कम हो जाएगा। सेम होना स्टार्ट हो जाएगा, इनपुट कम देगा जी। 4% कम हो गया, हाँ। 1100 को पॉइंट कितना आएगा? 10, ये तो 53 आ रहा है, नहीं आ रहा ना वो, क्या आप कह रहे हैं कि आप ये वाली बात करेंगे, ये सेम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहां पर हम 6% करते हुए 1100 का 6% नहीं ले रहे, आउटपुट का भी नहीं है। आप ये जो करना चाह रहे हैं ये तब होता अगर 1100 का ही 10% और 1100 का ही 6% होता। ये 1100 का 10% जरूर है, लेकिन ये 1100 का 6% नहीं है, ये उस रिवाइज्ड इनपुट का 6% है। तो 1100 का ही 6 होता तो फिर ये ठीक था, लेकिन ये 1100 का नहीं है, रिवाइज्ड इनपुट का 6 है, तो इसलिए ये तरीका सही नहीं है, गलत है। मटेरियल इनपुट 1100 किलो, 10% लॉस होता था, अब अगर लॉस कम हो जाएगा और प्रोडक्ट किलोज में नहीं है, प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स में है, प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स में, तो फिर अब हमें इनपुट कम करना पड़ेगा, तो ये इनपुट है जो रिवाइज हो रहा है जी। क्योंकि प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स है तो फिर ये सारी बात ही ना होती, फिर इसको इस तरह से हम देख ही ना रहे होते, ये यूनिट्स में है, बैचेस है, किलो कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तभी तो ये डिस्कशन हो रही है, अगर वो क्लोज में होता तो इस तरह से डिस्कशन ही ना हो रही होती जी। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लेबर पहले बैच पे 200 घंटे लगेंगे, उसके बाद लर्निंग लगेगा, लेकिन लर्निंग रेट नहीं दिया हुआ, तो लर्निंग रेट निकालना पड़ेगा। ये जो लर्निंग रेट है इसमें जो मुझे लगता है गलती जिसने की होगी वो ये तो चलो कर ही लेगा कि ठीक है सर ने आखिर में सवाल कराया था जिसमें एवरेज टाइम को डिवाइड करके लर्निंग रेट निकाला था, तो वो 200 और 160 से नहीं निकलना, ये 200 160 148, ये एवरेज नहीं है, ये जो हम निकालते थे ना कि 160th का कितना टाइम होगा, 8th का कितना टाइम होगा, तो ये वो है। फर्स्ट बैच का टाइम 200 घंटे, सेकेंड बैच का टाइम 160 घंटे, दो बैचेस के बाद एवरेज नहीं है, ये 160 दो बैचेस के बाद की एवरेज नहीं है, ये सेकंड बैच का टाइम है, ये थर्ड बैच का टाइम है, ये फोर्थ बैच का टाइम है। अगर लर्निंग रेट वाला काम करना है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, बेशक पहला और दूसरा बैच इस्तेमाल कर ले काफी है, जब एक यूनिट बनाया था तो 200 घंटे लगे थे, एवरेज भी 200 था, जब दो यूनिट्स बन चुके थे तो दो बैचेस सॉरी, तो पहले बैच का टाइम दूसरे बैच का टाइम टोटल कितना हो चुका था? 160 एवरेज 180, आप यहां से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये डबल है, और अगर फोर तक भी चलना चाहे फोर तक भी चल सकते हैं, जब तीन बन चुके थे 508, जब चार बन चुके थे
6 एवरेज 160 90 वो लिखने में मुझसे सिर्फ वो लाइन आगे पीछे होगी ये ऐसे लेकिन ये 90% ठीक है। तो इस तरह से लर्निंग रेट निकलेगा। चौथे और दूसरे से करना है वो भी ठीक है, दूसरे और पहले से करना है वो भी 90 ही आएगा। लेबर पे आवर्स लगेंगे टोटल 10,000, जितने दिन में ये काम पूरा करना है 30 दिन में काम पूरा करना है, तो 30 दिन में हमें इतने घंटे शायद ना मिल सके, तो हमें फिर ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। तो इन 30 दिनों में 8,000 घंटे नॉर्मल टाइम में काम करवाना पड़ेगा, बाकी जो 2,000 और चाहिए वो फिर ओवर टाइम में करवाना पड़ेगा। तो नॉर्मल वाले का टाइम ये है 220 रुपए, ओवर टाइम वाला 1.5 गुना है। तो वेज का बेसिक रेट ये है, ओवर टाइम वाला ये, तो जो 8,000 नॉर्मल घंटे उन पे ये लग जाएगा और जो 2,000 एक्स्ट्रा है उन पे ये लग जाएगा। जी नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब है कि इस ऑर्डर के लिए फॉर द अबव ऑर्डर, क्यूपीएल सिर्फ जिंदगी में ये काम नहीं करता ना, और भी काम करता है, उनके वर्कर्स और भी जगह काम कर रहे होते हैं। इस ऑर्डर के लिए जितने वर्कर्स अवेलेबल हैं 8,000 घंटे ये काम ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेना हुआ तो ओवर टाइम लगाना पड़ेगा फॉर द अबव ऑर्डर। और लेबर आवर्स जो निकल आएंगे इन्हीं लेबर आवर्स से फिर ओवर हेड्स भी निकलेंगे, और वो भी ऐसे ही है, ये जो ओएआर यहां है ये नॉर्मल वाला है, ओवर टाइम वालों के लिए ये ओएआर है 1.25 टाइम्स, यानी नॉर्मल वालों के लिए 150 है और ओवर टाइम वाले के लिए 187.5। जिन्होंने नहीं किया कम से कम सोनी लेते, शायद कभी करते तो पता चल जाता, जिन्होंने किया है और कुछ पूछना है इसमें तो पूछे। एक बार जो सारे खर्चे आ जाएंगे तो पूछा उसने ये था कि इस ऑर्डर के लिए प्राइस क्या रखनी है, 25% मार्जिन कमाना है तो सेल प्राइस 100। अच्छा, इसमें जिनको ये मसला हुआ होगा होना चाहिए कि ये सवाल करना कैसे, तो ये जो सवाल अभी ये सामने ये वाला है या इसी तरह से जो अभी होमवर्क देना है, ये टॉपिक टेक्निकली मैंने कल पढ़ाना है, लेकिन चूंकि सिर्फ लर्निंग करके प्रैक्टिस की और मटेरियल लेबर की कैलकुलेशन, मटेरियल ओवरहेड की कैलकुलेशन, ये भी कोई बहुत नई कैलकुलेशन नहीं थी, ये फैल्कन में मैंने स्पेशली ये वाली कैलकुलेशन कराई थी कि ये लॉस वाली बात जरूर समझ लें आगे काम आएगी, इसलिए ये होमवर्क दे दिया था, वरना किसी नए ऑर्डर की प्राइस निकालना ये कल सिखाना है ऑफिशियली, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा होगा सवाल को करना कैसे, लेकिन ये सिखाना है मैंने परसों भी। इसी तरह इसी से थोड़ा मिलता जुलता, ये तो फाइनल का था ना, इसी का एक कैफ वर्जन वो होमवर्क है, स्प्रिंग 17 खोलें, स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। अरे क्या हुआ समझ नहीं, ये 2 सीवेप क्या है ना, क्या हो गया, नहीं नहीं सीफेप के, ये सीफेप 1 सीफेप 4 मैं ही पढ़ा दूँ। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन 1 पढ़ने को कहा है, पढ़ लीजिए, होमवर्क है लेकिन पढ़ लें, इसमें एक दो पॉइंट समझाने हैं आपको। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, मैं एक दो पॉइंट समझा दूं फिर उसके बाद होमवर्क है। Thank you.
स्टॉक आउट यूनिट्स का हमेशा पीएस करते हैं, प्रोबेबिलिटी का वेटेड एवरेज कैसे लेंगे, तो उसका वेटेड एवरेज क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का वेटेड एवरेज क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का जो वेटेड एवरेज उससे क्या होगा, वो कोई डाटा ही नहीं जिसका एवरेज लेना है, डाटा तो यूनिट्स है, एवरेज किसी डाटा का देना होता है ना, डब्ल्यू को थोड़ी एवरेज देना होता है, वेटेड एवरेज होता है समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू, तो वो किसका एवरेज होता है, एक्स का, डब्ल्यू का तो नहीं होता, अरे भाई जो मर्जी मीन ले ले, लेना तो एवरेज ही है ना, तो एवरेज डाटा का होता है, डाटा के चांसेस का एवरेज नहीं होता, सवाल पढ़ने को कहा था ये भी, ये सवाल भी ऑफिशियली जो कल मैंने टॉपिक पढ़ा ना ये उसका सवाल है, लेकिन चूंकि लर्निंग कर्व की प्रैक्टिस है तो इसलिए ये होमवर्क है, क्यूपीएल की तरह का मिलता जुलता ही है, पहले बैच का डाटा दिया हुआ है, पहले बैच का डाटा दिया हुआ है उसी तरह, ये मटेरियल लेबर ओवरहेड से, और कस्टमर से ऑर्डर मिला है 10,000 यूनिट्स का, और एक बैच में बनते हैं 500 यूनिट्स, तो कितने बैचेस, 20। जो पॉइंट नंबर टू है ये फर्स्ट बैचेस, फर्स्ट एट बैचेस, तो आठ बैचेस पे लर्निंग लगेगी उसके बाद स्टॉप हो जाएगी, तो ये लर्निंग जैसे पहले करते हैं वैसे ही है, लर्निंग रेट दे दिया, मटेरियल गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड्स अवेलेबल है, इसमें एक चीज अभी रीजन नहीं बताई चूंकि ये टॉपिक ऑफिशियली नहीं पढ़ाया, तो बगैर रीजन के मान लें इसको इग्नोर कर देना, इसको काउंट कर लेना, एलोकेटेड वाले को इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन इस 45,000 को काउंट कर लीजिएगा, है जी, जी जी जी, ये 24,000 इग्नोर कर दीजिएगा, और ये डेप्रिसिएशन 45,000 पर बैच है, ये काउंट कर लीजिएगा, इसको क्यों काउंट करना है, इसको क्यों इग्नोर करना है, इसकी रीजन बतानी है, अभी चूंकि उसके बगैर सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, मेनली मैं लर्निंग करके लिए सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसलिए अभी बगैर वजह के ये इग्नोर, और 45,000 को करना है काउंट, ये बस पर बैच कॉस्ट है। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीज जो अच्छी कैलकुलेशन है जो आपने करनी है, सेटअप कॉस्ट, वो कह रहे हैं जी कि हर बैच फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैच सेटअप कॉस्ट 5% कम होती जाएगी, सेटअप कॉस्ट क्या होती है नहीं वो तो चलो मशीन को सेटअप में लाना था ना, अब ये बैच का सेटअप क्या होगा, हर बैच की तैयारी, जैसे अगर एक ट्रे में 100 बिस्किट्स लग के ओवन में रखने, तो उस बैच ने ओवन में जाना है तो उसमें प्रोसेस शुरू होना है, लेकिन उस ट्रे के अंदर 100 बिस्किट्स लगाना, रखना, बना के उनके जो क्या कहते हैं जो भी पेड़े शेड़े को पीस के रखना, ये सब वो ट्रे तैयार करना बैच सेटअप कॉस्ट है, फिर उसके बाद जब वो ट्रे ओवन में चली जाएगी फिर प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो हर बैच की सेटअप पे कुछ खर्चा आएगा, मेनली ये लेबर का खर्चा होगा, ये वर्कर्स ही होंगे जो सेटअप कर रहे होंगे, 5% इंप्रूवमेंट आ रही होगी, तो ये लर्निंग, ये भी लर्निंग रेट आ गया, क्यों नहीं, कॉस्ट भी तो चीज कम आ रही होती है ना, कि टाइम कम होता जाएगा, ये लेबर का टाइम कम होगा तो लेबर की कॉस्ट ही कम होगी ना, 5% हर दो के बाद डबल, ये चूंकि हर नेक्स्ट बैच में इंप्रूवमेंट है, तो ये वो लर्निंग वाला पॉइंट नहीं है, लर्निंग थ्योरी तब लगती है जब एक कांस्टेंट परसेंटेज कम होती है, व्हेनेवर क्यूमुलेटिव आउटपुट इज डबल, तो ये लर्निंग वाला नहीं था पॉइंट, लर्निंग वाला लेबर का ये पॉइंट है, ये बस सिंपली आपने वैसे ही हर बैच की अलग अलग कैलकुलेट करनी है, 0.95, 0.95, 0.95, इसका क्या मतलब है,
फिफ्थ बैच ऑनवर्ड इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, पांचवे में होगी या पांचवे में नहीं होगी, पांचवे में इंप्रूवमेंट होगी या बस चौथे में जो इंप्रूवमेंट होनी थी वो होगी, पांचवे में इंप्रूवमेंट होगी। चले जिनको लगता है कि इंप्रूवमेंट बस चौथे बैच तक होगी, क्यों? फिफ्थ ऑनवर्ड्स। अच्छा, जिनको लगता है कि फिफ्थ ऑनवर्ड्स कहा हुआ है यानी फिफ्थ के बाद वाले, तो नहीं, ये गलत है। फ्रॉम फिफ्थ बैच ऑनवर्ड, इसके जवाब में मैं आपको एक सवाल ही पूछता हूं। अगर ये कहूं कि हम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स नया चैप्टर करेंगे तो ट्यूसडे भी उस ऑनवर्ड में शामिल है, तो फिफ्थ ऑनवर्ड इंप्रूवमेंट नहीं होगी, मतलब फिफ्थ में भी नहीं होगी। तो इसलिए पहला से बेहतर होगा दूसरा भी, दूसरे से बेहतर होगा तीसरा, तीसरे से बेहतर होगा चौथा, बस। अब जितना चौथे में खर्चा आएगा बाकियों में भी फिर उतना ही आएगा। तो बस यही इसमें एक छोटी सी ट्रिकी कैलकुलेशन है, बाकी ये सिंपली लर्निंग कर्व का सवाल है। और ये एंड पे क्या करना है, हाँ जी, मार्कअप है, मार्जिन है, 30% ऑफ प्राइस मार्जिन है, मार्जिन कॉन्टेक्ट प्राइस। ठीक है, ये सवाल होमवर्क है आपका। दोबारा करना पड़ेगा, पक्की बात। कल जो शुरू किया था उसका एक छोटा सा रीकैप, डिसीजन मेकिंग शुरू कराई थी आपको, उसमें कुछ जनरल जनरल बातें की थी कि जो भी डिसीजन होगा उसमें हम सिर्फ रेलेवेंट आइटम्स कंसिडर करेंगे। जनरल जनरल बातें ये की थी कि एक जनरल सा सवाल, या तो कोई एक प्रपोजल होगा जिसको एवेल्यूएट करना होगा, तो प्रॉफिटेबल होगा तो हाँ, प्रॉफिटेबल नहीं है तो ना, या फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस को कंपेयर करना होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट है तो ज़्यादा प्रॉफिट बेहतर है, खर्चे खर्चे हैं तो कम कॉस्ट बेहतर है। ये जनरल डिस्कशन चल रही है अभी। अगली क्लास में मैंने कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजन कराने, उनमें स्पेसिफिक किस्म की वर्किंग स्टेप्स होते हैं, उनसे पहले मैंने आपको जनरल डिसीजन मेकिंग का आइडिया देने के लिए एक बेसिक सा सवाल कल कराया था, आज भी मैं एक और जनरल सा सवाल कराने लगा हूं। आगे अप्रोच ये है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसीजन हमने पढ़ने हैं कोई 4-5, वो पांच है मेरे ख्याल में, उनके बाद फिर दोबारा मैं जनरल जनरल डिसीजन कह के कुछ और कॉम्प्लिकेटेड मिक्स सवाल कराऊंगा। जनरल डिसीजन मेकिंग कहने का मेरा मकसद ये है कि जो हमने स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजंस पढ़ने हैं, जैसे लिख दूंगा कल वैसे जबानी बता रहा हूं, मेक और बाय डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, स्पेशल ऑर्डर्स, ये ना कुछ खास कंटिन्यू और शट डाउन, ये कुछ खास किस्म के डिसीजन हैं, इनके सेपरेट स्टेप्स होते हैं। लेकिन क्या इन्हीं के ऊपर सवाल होगा? नहीं, कुछ जनरल सा सवाल होगा, उस सवाल को देख के पता चलेगा क्या करना है। इसलिए मैं ये पांच टाइप्स ऑफ डिसीजन पढ़ाने से पहले आपको जनरल डिसीजन मेकिंग का आइडिया देना चाह रहा हूं कि ओवरऑल डिसीजन मेकिंग क्या है। सवाल पढ़ के आइडिया होगा कि क्या क्या ऑप्शन हैं, फिर सवाल से ही डेटा मिलेगा, फिर उस डेटा को ही यूज करके सिर्फ रेलेवेंट आइटम्स हमें डिसीजन करना पड़ेगा। पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजंस तो पढ़ाने हैं जिनके कुछ स्टेप्स होंगे, लेकिन कुछ जनरल से सवाल भी डिसीजन मेकिंग में हो सकते हैं। तो इसलिए मैं स्टार्ट ही आपको जनरल सवाल से करा रहा हूं ताकि आपको जनरल सवालों का आइडिया हो, बाकी स्पेसिफिक में तो चले ही जाएंगे। तरीका उसका यह बताया था कि हम सिर्फ रेलेवेंट आइटम्स लेंगे, रेलेवेंट आइटम्स के लिए 4 रहनुमा उसूल बताए थे। हम जिस प्रपोजल को कंसिडर कर रहे हैं, जिस जॉब को कंसिडर कर रहे हैं, एक बात यह थी कि उसकी वजह से जो इंक्रीमेंटल इनफ्लो होगा वो रेलिवेंट है, जो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो होगा रेलिवेंट है, एक आउटफ्लो होना था इसकी वजह से बच जाएगा, एक रेलिवेंट इनकम है, एक इनफ्लो होना था इसकी वजह से जाया हो जाएगा, वो रेलिवेंट कॉस्ट। चल आगे और सवाल करते हैं, ये भी जनरल सा सवाल है जो कराने लगा। हाँ जी, हाँ जी, मतलब इसमें हम लोग इंपैक्ट जो देख रहे हैं वो बस एक साल के अंदर अंदर का इंपैक्ट देख रहे हैं, जिसमें एक साल से ज्यादा के इंपैक्ट देख रहे होते हैं वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, वो MFA और फिर आगे BFD। MFA तो मैं नहीं पढ़ाता, BFD आप जब भी पहुंचेंगे तो BFD में दोबारा आप हैं क्या? नहीं क्या जी? हाँ यार, क्यों नहीं, अब तो पढ़ाऊंगा यार, अब तो पढ़ाऊंगा, आप क्यों नहीं पढ़ाऊंगा।
अब तो जरूरत पड़ेगी ना। ऑटम 13 को रहे हैं, ऑटम 2013। ऑटम 2013 क्वेश्चन नंबर 2। ऑटम 2013 क्वेश्चन नंबर 2। जनरल डिसीजन मेकिंग के सवाल का कोई फॉर्मेट नहीं है, या तो कोई एक प्रपोजल होगा जिसको एवैल्यूएट कर रहे होंगे, क्या तरीका होगा उसका, रेलेवेंट इनकम्स रेलेवेंट एक्सपेंसेस लिस्ट डाउन कर लें, प्रॉफिट निकाल लें, और अगर मल्टीपल ऑप्शंस को कंपेयर करना होगा तो हर ऑप्शन को अलग अलग सॉल्व करें, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, लेकिन इस सारे काम के अंदर कौन सी आइटम्स इस्तेमाल करनी है, रेलेवेंट वाली, बस ये जनरल डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन 2 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे, ऑटम 13 क्वेश्चन 2। कहाँ लिखा हुआ? ये जिस तरह के ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो मुझे नहीं पता कि ये किसी और जबान से लिए होते हैं या वैसी, इसका मतलब होता है जो के, दो प्रोडक्ट्स जो के ऑलिव और मिंट है, पढ़ लिया। एक बिजनेस है वो दो प्रोडक्ट्स बनाता है, ऑलिव और मिंट, और इसको मैं अगर ऑलिव और मिंट की जगह ब्रश और टूथपेस्ट कह दूं ना तो सवाल इमेजिन करना आसान हो जाएगा।
ब्रश और टूथपेस्ट बनाता है, ओलिवर मिंट ब्रश और टूथपेस्ट। अब जितनी कैपेसिटी है वो पूरी यूज नहीं हो रही क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो जितनी डिमांड होगी उतनी प्रोडक्शन करेंगे। अब मैनेजमेंट ने सोचा है कि जो खाली कैपेसिटी है, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो कॉलेज का कैंपस है, अगर कुछ रूम्स खाली रहते हैं तो उस रूम्स हैं तो उसके बारे में अगर ये सोचना हो कि रूम तो अवेलेबल है, रेंट भी पूरी बिल्डिंग का जा रहा है, बिल भी आ रहा है, तो स्पेयर कैपेसिटी को कैसे यूज किया जा सकता है। तो इसी तरह से इस बिजनेस के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी स्पेयर थी। मैनेजमेंट ने दो ऑप्शन सोची हैं और रिक्वायर्ड क्या है कि इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन फिजिबल है, कैसे फैसला करेंगे। दोनों ऑप्शन को सॉल्व करेंगे जिसमें प्रॉफिट ज्यादा निकला। ठीक, बिल्कुल ठीक है। पहले आसान वाला करता हूं, ऑप्शन टू। अच्छा, आगे भी ना डिसीजन मेकिंग में ये काम बार बार होना है, इसलिए अभी बता रहा हूं एक बार। हम आगे चल के जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया करेंगे तो सेल प्राइस को भी यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल कॉस्ट को भी यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो लाइनें लिखने की बजाय कंट्रीब्यूशन प्लस नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेल प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करके सेल्स आएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी, मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट आएगी, निकालना तो प्रॉफिट है। तो इन दो लाइनों की जगह अक्सर आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग में कि हम लोग कंट्रीब्यूशन यूज कर रहे होंगे, कंट्रीब्यूशन। तो यहां भी हम कंट्रीब्यूशन ही ले लेते हैं। कितने साल से बेच रहे हैं? 80,000। हाँ, 80,000। क्या बात, मैंने पूछा कितने साल से बेच रहे हैं। यार फालसा होता है तो दादा सारे लेंगे तो क्या बोलेंगे, फालसे। तो क्या नाम है प्रोडक्ट का? साल सा। तो दादा बेच रहे हो साल से, वाहि जवानी पड़ा। अच्छा अच्छा नहीं नहीं, हाउ मेनी इयर्स? नहीं, मैंने सालसा ऑप्शन टू कर रहा हूं ना। हाँ, तो सालसा कितने इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। एक सालसा कितने का बेचेंगे? 3। इसको बेचेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 40% जितनी ऑलिव की आती है। कितनी आती है ऑलिव की? 520 या 560? नहीं तो 40 वेरिएबल नहीं है, नहीं वेरिएबल है कि नहीं वेरिएबल। सालसा के बारे में क्या कहा है? 40% ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, बस वेरिएबल कॉस्ट। तो 560 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो नहीं का, वेरिएबल कॉस्ट का है। तो ऑलिव की वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी है और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है। हैं जी, 520 क्या लिखा है और 40 क्या लिखा है, तो ये भी वेरिएबल है या नहीं? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो वेरिएबल ही है। अब ये जो 520 है ये भी वेरिएबल है, 40 ये भी वेरिएबल है। ऑलिव की वेरिएबल कॉस्ट के 50% के बराबर सालसा की कॉस्ट है, तो 40% ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो नहीं लिखा, बस कॉस्ट लिखा है, तो दोनों ही वेरिएबल। कितना हो गया? 2। और इस डिसीजन का कोई रेलिवेंट इनकम, रेलिवेंट एक्सपेंस, फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट है? एडिशनल है इसलिए रेलिवेंट है। ऑप्शन टू की अंग्रेजी पढ़ रहा हूं सर ये। कितनी? और ऑप्शन टू में कुछ रेलिवेंट? बस 9280। ऑप्शन टू वाली अंग्रेजी सारी पढ़ लीजिए, इसमें अगर कोई भी जरा सी भी कंफ्यूजन है तो पूछें। जी Thank you.
ऑप्शन टू, ऑप्शन वन क्या जी? क्या चीज? हाँ, जो सवाल के पहले टेबल में फिक्स कॉस्ट दी हुई है वो रेलिवेंट है? हैं? तो पहले भी होती थी, अब भी होंगी, रेलिवेंट इस डिसीजन की वजह से वो होंगी, नहीं तो वो रेलिवेंट नहीं है। जो पहले आपको टेबल में फिक्स कॉस्ट दी है वो पहले भी होती थी, अब भी होंगी, क्या वो इस ऑप्शन की वजह से होंगी? तो फिर रेलिवेंट नहीं है ना, तो रेलिवेंट नहीं है। हाँ? तो वो कोई ना कोई है ना, ये वही है ना, ये वही कोई ना कोई है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट। ऑप्शन टू, ऑप्शन वन, ऑलिव और मिंट को अगर ब्रश और पेस्ट समझें तो बिजनेस ने सोचा है कि हम ना एक कॉम्बो पैक निकालते हैं जिसमें एक ब्रश और एक पेस्ट होगा, ये ऑप्शन वन है। अगर इस तरह से बेचना शुरू किया तो जो कस्टमर्स सिर्फ ब्रश या सिर्फ पेस्ट खरीदते थे, अगर वो अब ये बॉक्स खरीदेंगे तो एग्जिस्टिंग सेल्स पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, कम हो जाएंगी। इस ऑप्शन की वजह से वो नुकसान होगा, तो रेलिवेंट है? बिल्कुल रेलिवेंट है। तो एक तो जो अब बॉक्सेस बेचेंगे उससे हमें कंट्रीब्यूशन आएगा, एक तो जो आप सिंगल पैक बेचा करेंगे उससे कंट्रीब्यूशन आएगा, कितने पैक्स बेच लेंगे पता नहीं, एक पे कितना कमा लेंगे पता नहीं। एक पे कितना कमा लेंगे नहीं पता, कितने पैक बेच लेंगे नहीं पता। जो इसकी वजह से एग्जिस्टिंग सेल्स का नुकसान होगा वो रेलिवेंट है? Yes, क्या रेलिवेंट है उनका? सेल्स, सेल्स, उनकी सेल्स, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। हम वो सेल नहीं कर सकेंगे तो नुकसान क्या होगा? कंट्रीब्यूशन नुकसान होगा। सिर्फ सेल्स नुकसान नहीं होगी, क्योंकि सेल्स नहीं होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो नहीं होगी ना, तो नेट नुकसान किस चीज का होगा? कंट्रीब्यूशन का। तो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन जो जाया हो जाएगी वो एक रेलेवेंट एक्सपेंस है। ऑलिव के कितने नहीं बेच पाएंगे? किसका? 18% जितने अभी बेचते हैं, कितने बेचते हैं अभी? तो फिर कितने नहीं बेच पाएंगे? 21,600। और एक पे कितना कंट्रीब्यूशन कमाते हैं पता नहीं। कितने मिंट नहीं बेच पाएंगे? कितने मिनट नहीं बेच पाएंगे? 27,000। ये 27 और 21,600 दोबारा देख ले, 18% अब हमारी सेल्स डाउन हो जाएंगी। तो जितनी सेल्स पहले होती है उनका 18% अब नहीं बेच सकेंगे इसकी वजह से, तो उन पे जो कंट्रीब्यूशन कमाना था वो नहीं कमाएंगे, ये एक रेलिवेंट कॉस्ट होगी। यूनिट इनटू इनका भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, चलो तीनों के निकाल लेते हैं, ऑलिव मिंट और सिंगल पैक। ऑलिव कितने का बेचते हैं, मिंट कितने का बेचते हैं? 550। पैक कितने का बेचेंगे? इन दोनों को कंबाइन करके उसका 90%, 7 9। डबल 179 वाली बात आई समझ? वेरिएबल कॉस्ट एक तो प्रोडक्शन की होती थी, बल्कि खैर दोनों ही लिख लेता हूं, वेरिएबल कॉस्ट 560 और इसकी, इसकी कितनी हुआ करेगी? 90% होगी, वो तो सेल प्राइस की बात थी, कॉस्ट कम करने का नहीं कहा, तो फिर इतनी ही होगी, इतनी कितनी दोनों को ऐड 1,000 बस। पहले दो अलग अलग यूनिट बनते थे, इनकी पर यूनिट कॉस्ट ये थी,
अब हमने इन दोनों को मिला के एक डब्बे में डाल देना है, तो दोनों की कॉस्ट नहीं ऐड हो जाएगी। पता नहीं ना वो किसकी है सेलिंग कॉस्ट, ये तो नहीं बताया कि वो पैकेट की कॉस्ट है, नहीं पता। 90% तो सेल प्राइस को करना है। जो खर्चा पहले होता था वही अब भी होगा, बस पहले दोनों अलग अलग बेचे थे, मिला के बेचेंगे। इनफैक्ट खर्चा बढ़ना चाहिए। देखें पता नहीं ना कि इनकी पैकिंग किस तरह की थी, इनकी किस तरह की थी और अब किस तरह की है। अच्छा इसमें से पैकिंग कॉस्ट कितनी बताएं, बताएं कितनी पैकिंग इसमें, नहीं पता। जी जी कितना कम करें बताएं ना, जीरो कर दें। 90% सेल प्राइस की बात की है, डिस्काउंट देना है सेल प्राइस पे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कम कर लें, कितना कम कर लें, जीरो करना तो नहीं ठीक ना, तो फिर कितना कर लें? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे जरूरी तो नहीं कि सेल प्राइस के साथ लिंक चीज है। अगर हमने सेल प्राइस सस्ती कर दी क्योंकि कंबाइंड पैक बना रहे थे, तो ट्रक वाले ने थोड़ी पैसे कम देने शुरू कर देने डिस्ट्रीब्यूट करने के, जो पैक डब्बे में पैक पहले करते थे वो भी करेंगे। तो इसलिए इन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की आपको कोई ऐसी बात ही नहीं कि इसमें कितनी कमी हो जाएगी, तो जीरो करना तो नहीं मुनासिब ना, तो फिर एग्जिस्टिंग ही होगा। और जब एग्जिस्टिंग होगा तो हम दोनों को मिला के ये एक बना रहे हैं, तो फिर कॉस्ट भी मिल जाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू हंड्रेड, वन हंड्रेड और 169। ये 4320 27 किधर ऊपर, किधर किधर कैसे यूनिट्स किधर हैं? तो यूनिट्स नहीं लिखे मैंने। अब क्या रहेगा? यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे कोई इख्तलाफ? अच्छा सवाल पे इख्तलाफ हम कर क्या रहे हैं? बस दो ऑप्शन थी, उनमें से बेहतर ऑप्शन निकाल रहे हैं। जी ये क्यों लिखा है, कलाई थे वो इसलिए लिखा है। इस जॉब की वजह से हमें एक इनफ्लो जो आना था वो नहीं आएगा, तो वो एक रेलिवेंट एक्सपेंस है। तो अगर हम इस ऑप्शन पे जाएंगे तो इनको बेच के जो कंट्रीब्यूशन आया करता था वो नहीं आएगा। हाँ तो ये किया मैंने, सेल लिख दूं यहाँ, सिर्फ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट ना लिखें। हम इतने यूनिट्स नहीं बनाएंगे, नहीं बेचेंगे, तो सिर्फ सेल ही है जो नहीं हो रही होगी, वेरिएबल कॉस्ट फिर भी हो रही होगी, वो भी नहीं हो रही होगी, तो नेट तो यही 200-100 ही रह जाएगा ना। ये तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी किया था कि अगर हमको यूनिट्स नहीं बेच पाते थे तो स्टॉक आउट कॉस्ट क्या ले रहे थे, कंट्रीब्यूशन। तो अभी भी यही किया कि जो नहीं बेच पाएंगे उस कंट्रीब्यूशन जो नहीं कमा पाएंगे उसको कॉस्ट क्या दिया। सिंगल पैक के यूनिट्स 90,000। अच्छा एक बात पहले ही बता दूं, क्योंकि हो सकता है कोई साइंसदान खुद सोच ले, और मतलब नेगेटिव नहीं कह रहा, अच्छी बात है। ये जो सवाल के अंदर लिखा है ना कि दोनों को बनाने में सेम टाइम लगता है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेम टाइम लगता है, कहाँ लिखा हुआ? और हम जो अब सिंगल पैक बनाने वाले हैं तो ये एक ही जगह बनते हैं और एक ही रिसोर्स से बनते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ऑलिव के लिए प्लांट और है, उसके लिए प्लांट और है, एक कॉमन रिसोर्स है। चाहे तो ऑलिव बना लें, चाहे मिंट बना लें, चाहे दोनों बराबर बना लें, ये जो लिखा ना सेम टाइम लगता है, तो इसका मतलब है दोनों का बनाना एक जैसा ही है। इसमें ऐसी साइंस नहीं है कि मिंट का प्लांट कोई और है, हम एक से ज्यादा मिंट नहीं बना पाएंगे, इस हद से ज्यादा ऑलिव नहीं बना पाएंगे, ये मसला नहीं है। दोनों पे सेम टाइम लगता है, सेम रिसोर्स है, तो समझे एक ही प्लांट से हम ये दोनों बना रहे हैं। कितने यूनिट्स अब हम मजीद बना पाएंगे? 90,000। मैं चले इन शॉर्ट उधर 169 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, कोशिश करें करें कैलकुलेट। मैंने पूछा है 169 से क्या मल्टीप्लाई करूं? 90,000। जज्बाती आंसर नहीं करना,
180,000। मैंने पूछा है 169 से ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई होगा? ऑप्शन वन का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम मैक्सिमम हम कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। थ्री सिक्सटी भी नहीं, नहीं। नहीं, अच्छी कोशिश है लेकिन नहीं। चले कोशिश करें, ठीक है शाबाश, एक हिंट देता हूँ। चलिए एक हिंट दे रहा हूँ, इस रूम में अगर 15 सीट्स खाली हैं और दूसरे सेक्शन को भी मैं कहता हूँ चले वो भी हाँ मर्ज हो जाए, दूसरे सेक्शन के आने की वजह से कुछ लोगों को कोई नजराती इख्तलाफ हो, उन आप लोगों में से 20 उठ के चले जाएं। दोबारा सुने, इस रूम में 15 सीटें खाली हैं, मैं कहता हूं चलें दूसरे सेक्शन के लोग भी यहीं बैठ जाएं आके ताकि जगह भर जाए, इस बात को सुन के आप में से 20 लोग उठ के चले जाते हैं, कितने दूसरे सेक्शन के लोग मैं क्लास में बैठा? 35। चलें बस हिंट दिया था थोड़ा सा। थोड़ा ऊंचा, ठीक है सर, क्या करीब है? फिर गौर करो, फिर से इसी को गौर से देखो जरा। थोड़ा सा और करो करीब हो। करीब पहले शायद सही बोला था, इसके बाद भी कुछ बोला था आज। चले ठीक है, तो बता दो, दो तरीकों से बता रहा हूं, दोनों में से आपको जो आसान लगे। चले मुझे देखने, 69 क्या सोल्यूशन देख के बताया ना? सोल्यूशन देखा है? दो दो तरीके से बता रहा हूं, देखें टोटल कितने यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है। ये क्या किया? अभी हम बनाते हैं 1.20 और 1.50, 2.70, तो अभी इस वक्त 75% कैपेसिटी यूज हो रही है, यानी टोटल इतने यूनिट्स बना सकते हैं। ऑलिव अकेले अकेले कितने बनाएंगे अब? 45। अब ऑलिव कितने बनाया करेंगे? 98। अब मिंट कितने बनाया करेंगे? 120। ये हम इनके इंडिविजुअल इंडिविजुअल यूनिट्स बेच के फारिग हो जाएंगे, अब कितनी जगह बच जाएगी? इतने हम बनाएंगे, लेकिन एक डब्बे में दो यूनिट्स डालने, यहां पर नंबर ऑफ डब्बे लिखने। ये एक बॉक्स है, 169 एक बॉक्स का कंट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ सिंगल पैक्स लिखने, एक पैक में दो यूनिट्स होंगे, ये यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ पैक्स कितने होंगे? इसको टू पे डिवाइड करेंगे, 69। ये नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं लिखने, नंबर ऑफ पैक्स लिखने, एक पैक पे इतना कमाना है, तो नंबर ऑफ पैक्स, ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। अब हम करेंगे क्या कि इनमें से आधे ऑलिव बनाएंगे, आधे मिंट बनाएंगे और दो दो को मिला के एक डब्बा बनाते जाएंगे, तो इतने डब्बे बना लेंगे। कौन सा वो आ गया ना, हमने टोटल मैक्सिमम किया उसमें 100 पे ले गए, जितने अब ऑलिव मिंट बनने हैं वो बना लिए, बाकी सारे ऑलिव मिंट बराबर बराबर बना के दो दो यूनिट एक डब्बे में डाल देंगे, इतने डब्बे अब हम लोग बनाएंगे। 6 9 3 double 8 कितना बना? 111
अच्छा, जिनको ये वाला तरीका नहीं समझ आया और वो किसी और तरह ट्राई कर रहे थे, एक और ट्राई करते हैं। कितनी स्पेयर अवेलेबल है? एक तो 360 की 25% अवेलेबल है, एक तो ये अवेलेबल है। लेकिन मैंने कहा था 15 सीटें पहले खाली हैं, नए स्टूडेंट लाने होंगे तो 20 यहां से और उठ जाएंगे, तो वो जो उठेंगे वो और सीटें खाली हो जाएंगी, तो 21,600 ऑलिव के और खाली होंगे और 27,000 मिंट के और खाली होंगे। इतने तो पहले ही स्पेयर कैपेसिटी है, इतने ऑलिव और मिंट अब नहीं बना रहे होंगे तो उनकी खाली जगह रखे तो सीट थोड़ी मिलेंगी उनकी, इतने यूनिट्स की और जगह खाली हो गई। वो तरीका भी समझ नहीं आया। 6 ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 बेहतर है। दोनों के डिमांड नहीं है ना। अच्छा, ये जो अभी हम 1:20 और 1:50 बनाते हैं, ये अभी ही क्यों दोनों के बराबर बराबर नहीं बनते? डिमांड नहीं, जरूरी तो नहीं कि जितने लोग जितने ब्रश बिकेंगे उतने ही पेस्ट भी बिकेंगे, तो डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों की तादाद बराबर होनी जरूरी नहीं थी। हम कैपेसिटी में सिर्फ ये बात यूज कर रहे हैं कि कोई भी यूनिट बना लो सेम टाइम लगेगा। जैसे समझ लें कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूं कि मेरे पास लेट से 6 क्लासेस पढ़ाने का टाइम है, अब वो 6 क्लासेस में से शायद 4 FAR2 2 कॉस्ट हो, 1 FAR1 3 कॉस्ट, 2 FAR2 इस तरह से हो, वो जो मर्जी हो, मेरे पास टाइम अवेलेबल ये है। तो जो प्लांट की कैपेसिटी थी, ये वर्कर्स के हिसाब से भी बात हो सकती है। वर्कर्स के पास जितना टाइम था, टोटल 360,000 यूनिट बन सकते हैं। अब चाहे वो एक, चाहे वो ऑलिव के बने, चाहे मिंट के बने। इसीलिए तो 2 से डिवाइड किया। जो पहले हमने अलग अलग बेचने हैं, मैंने वो माइनस कर लिए, ये अब अलग अलग बेचने हैं। इनमें से टोटल में से इतने ऑलिव और मिंट बना के अकेले अकेले बेच लेंगे, अब बाकी वो रह जाएंगे जो हमने पैक के लिए बनाने, तो इसलिए हम दोनों बराबर बराबर बना के एक एक डब्बे में डालेंगे। मिंट बनेंगे, आधे ऑलिव बनेंगे, और दोनों को एक एक डब्बे में डालेंगे। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।